हेलो व्यूअर्स, हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड होने जा रही है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि खानदान जिहान को देख लिए किसी लड़की के साथ, जबकि जिहान अपनी सेक्रेटरी के साथ होगा, कुछ बिजनेस डील कर रहा होगा, जबकि खानदान बहुत ज़्यादा चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी और वहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर देगी और रोती रोती वहाँ से घर चली जाएगी कि तुम किसी लड़की के साथ थे और ये चाहते हो कि मैं घर में बैठी रोती रहूं और तुम बाहर लड़कियों के साथ इंजॉय करो। तो व्यूअर्स, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। तो नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे एलिफ और आज़ाद का सीन। एलिफ आज़ाद से कहेगी कि हमें एक ही साथ एक कमरे में रहना चाहिए। आज़ाद बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो रहा होगा, जबकि एलिफ उसे कहेगी कि कुछ नहीं होता, पुरसकून हो जाओ। फिर दोनों वहाँ पर सो जाएंगे ये बात करते हुए कि हम आज़ाद एलिफ से कहेगा कि तुम जहाँ कहोगे हम वहाँ पर चलेंगे छुट्टियाँ मनाने के लिए। उसके बाद के सीन में आप देखेंगे मीरान बहुत ज़्यादा परेशान होगा कि आखिर वो कौन शख्स है जो हमारा पीछा कर रहा है, सारा वैलेंटाइंस डे ख़राब कर देगा, गुस्से में गुजार देगा। और रियान कहेगी कि ये तुम्हारी दादी माँ की चाल भी हो सकती है कि वो किसी से शायद नोट रखवा रही हो। उसके बाद मीरान को एक आइडिया आएगा कि क्यों ना खिज़र से पूछा जाए। वो खिज़र को शायद उल्लू को कॉल करेगा और बताएगा कि इस तरह से चिट पर लिखा हुआ था कि दिलशा की दोस्त से रब्ता करो, जिस पर मीरान कहेगा कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में ही ख्याल आया कि आप जानते होंगे। वो खिज़र शायद उल्लू से कहेगा कि मेरी मदद कीजिए, जिसको सुनकर रेहान को बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे डैड से मदद मांगी। उसके बाद आप देखेंगे खिज़र अपने भाई से मदद लेगा और उसे सारी स्टोरी बताएगा कि दिलशा की एक ही दोस्त थी आयला या आयशा उसका नाम था, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उसको ढूंढने में और ये सारी बातें दादा जान सुन लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे मीरान फिराद से कहेगा कि मुझे हारून के बारे में एक एक खबर चाहिए, वो कौन है, कहाँ से है, किस टाइप का है, सारी खबर मुझे पहुँचाओ। इतने में रियान सोकर उठ जाएगी और उसे गले लगा लेगी। उसके बाद वो दोनों नाश्ता करने लगेंगे। तो ड्रामा के एंडिंग सीन में आप ये देखेंगे कि गुन लाएगी आज़ाद के पास और उसे कहेगी कि मुझे काम चाहिए, हम मिलकर काम करेंगे। आज़ाद कहेगा अगर क्या होगा अगर मीरान को पता चल गया, वो कहेगी मैं अपने फैसला खुद ले सकती हूँ, वो मेरे फैसलों में कोई नहीं होता टांग अड़ाने वाला। आज़ाद उसे कहेगा तुम ऐसा इसलिए कर रही हो ताकि तुम मीरान के करीब जा सको। गुनल कहेगी ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पाँव पर खड़ी हो जाऊँ और मैं भी कुछ काम करूँ, तो तुम मुझे काम दोगे और यहीं पर हो जाएगा ड्रामे का एंड। तो चलिए व्यूअर्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।